Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is your boy Ramesh Khan back again with a new video. तो भाइयों आ गए हम UK finally. After a long time I'm making this video. और आज का दिन है 5:15. I don't know what's 5:15. And let's go to somewhere and see place. तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रोड के ऊपर फिर रहा हूँ बिल्कुल अभी क्योंकि टाइम सुबह का है 6:48 AM and now I'm going towards Butte Park जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है क्योंकि जब से मैं कार्डिफ आया हूँ आपको मैंने बताया नहीं मैं कहाँ पर हूँ कार्डिफ वेल्स ऑफ UK और यहाँ पे मेरे का सबसे करीबी जगह जो है ब्यूट पार्क है ब्यूट पार्क सबसे खूबसूरत जगह है और हम ब्यूट पार्क जा रहे हैं और ये है रोड जहाँ से मैं पैदल चलता हुआ जा रहा हूँ बाकी वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि भाई हम बाइक पर होते हैं बाइक भाई यहाँ पर हमें टाइम लगेगा बाइक लेते लेते लेकिन ले लेंगे बाइक एक दिन उससे पहले पैदल ज़िंदगी और ये ख़ूबसूरत मौसम पैदल देखते हैं ये ख़ूबसूरत मौसम साथ साथ बताता जो आपको यहाँ पे गाड़ियाँ भाई यहाँ पे पार्क होती हैं आप देख लो ये वॉक्सवैगन पता नहीं कौन सी है बहुत पुरानी तो यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसे पार्क होती हैं हम लोग पाकिस्तान में प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास अपने अपने गैराज होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम Not talking about the flat people इधर भी उनके अपने पार्किंग है लेकिन यहाँ पर सब बाहर ऐसे ही पार्क करते हैं और हम पैदल चलते जा रहे हैं भाई आपको मैं साथ साथ व्यूज़ दिखाता जाऊँगा स्टे विद दिस वीडियो आई जस्ट थाट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट नो आई जस्ट थाट टू गो आउट फ्रॉम माई हाउस एंड इट्स संडे So why not to go outside, bro? So just let's go. ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं यहाँ पे साथ बिल्कुल ये है साइकिल ट्रैक यहाँ पे मैंने भी साइकिल चलाई है इस जगह पर और ये हम वॉकिंग ट्रैक पे हैं और आप ये देख सकते हैं कि इतनी रोड साइकिल और वॉकिंग किया और इतनी ही रोड टोटल गाड़ियों के लिए तो और उसके ऊपर भी पार्किंग हुई हुई है तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि क्या हिसाब किताब है बाकी आई एम एट कैथेज टेरेस मतलब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है ये लिखा हुआ है कैथेज कम्युनिटी सेंटर और यहाँ पे लोग आके बैठते हैं और कुछ है यहाँ सिस्टम मुझे इतना आइडिया नहीं है मैं कभी आया नहीं यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है और प्लांट वेस्ट और इस तरह कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं अच्छा ये चीज़ आप देखेंगे क्लोथ्स एंड शूज़ लोग आके डोनेट बस इस डब्बे में आके डाल कर जाते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो उठा के ले जाते हैं यहाँ से होमलेस पीपल ज़्यादातर होते हैं होमलेस जो हमारी तरह होमलेस और डिफरेंट होते हैं तो लेट्स गो ये मेरे राइट साइड पर आपको मैं करीब से दिखाता हूँ कि ये है लिडल एक शॉपिंग सेंटर टाइप जगह है जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और लिडल ये यूरोप में भी फिरता है मतलब हर जगह पर है यहाँ पर तो भाई मैं यहाँ आके रुका हूँ यहाँ पर ये रेल की पटरी गुजर रही है बिल्कुल साथ से और यहाँ का जो UK का रेलवे सिस्टम है ना वो बहुत ही आला है पाकिस्तान में भी इन इंग्लिश पीपल से ही आया मैं उस साइड पर आया हूँ वुडविल रोड है वहाँ पर और ये लिडल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये लिडल है और ये किधर गई ये जो है ना लिडल के बिल्कुल ऊपर ये है कार्डिफ यूनिवर्सिटी का कुछ होगा कार्डिफ यूनिवर्सिटी की पूरी फैली हुई है इधर और अब हम अच्छा मैं जो जा रहा हूँ मैं यहाँ जा रहा हूँ ये जब थोड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है ना GoPro इस वजह से आपको इतना ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये यहीं पर है पहाड़ और इसी के अंदर जाना है हमने मतलब पहाड़ पर तो नहीं जाना लेकिन हमने जाना है क्या कहते हैं ब्यूट पार्क और ये आप देख लो बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे लोग ये भी लगाते हैं अगर कुत्ते वगैरह घूम जाएं तो यहाँ पर जो हम बचपन में हम देखते आ रहे हैं ना कि कार्टून्स वगैरह में हम देखते आ रहे हैं कि भाई लोग लगा देते थे और वही चीज़ रियलिटी में नज़र आ रही है भाई बहरहाल वेदर इज़ वेरी नाइस And we are going towards Butte Park, bro. Come with me. अभी मैं आपको बताऊँगा रोड कैसे क्रॉस होती है यहाँ पर भाई आपको रोड क्रॉस करना सिखाऊँगा आपका दिमाग फट जाएगा ठीक है अच्छा ऐसे भी रोड क्रॉस होती है जान को
जान पे खेल के हमें मतलब ज़रूरत नहीं है रोड क्रॉस करने की, हम वैसे भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। सो लेट्स क्रॉस द रोड ब्रो, लेट्स गो। तो भाईजान ये आप देख रहे हैं, ये इंसानों का इशारा लगा हुआ है, ये देखो ये लाल बत्ती हुई है, इसको दबाएंगे। और अभी ये लाल नहीं हुई, यहाँ पर लाइट लाल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं इस तरह नहीं गुजरूँगा, क्योंकि अभी टाइम भी ऐसा है मेरे ख्याल से ये नहीं चल रहा होगा। हाँ ये हो गया ग्रीन हमारे लिए, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके थ्रू बिल्कुल आराम से, गाड़ियाँ गुड़ियाँ कोई चक्कर ही नहीं, सुकून से बिल्कुल चले गए हम। और अब हम रोड के ऊपर चढ़ के अपनी यहाँ पर आना था, किसी ने कोई डर नहीं भाई, ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है ये वाला। और दैट्स मी ब्रो आफ्टर लॉन्ग टाइम। 10.5 किलो गिरा दिए भाई हमने यूके में आके, पैदल चल चल गए। अब आगे कदर हुई है कि भाई पैर जो है बंदे के, इंसान के जो टांगे हैं वो कितनी कीमती हैं, अगर ये ना होती मेरे तो मैं तो यहाँ पे फ़ायदा ही नहीं, मुझे यूके में कर ही कुछ नहीं सकता था। सो या दैट्स द थिंग ब्रो, एंड नाउ लुक एट दिस बिल्डिंग। अच्छा ये भी बिल्डिंग जो है ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी की कोई म्यूज़िक वाली जगह है, मतलब यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह सीखते हैं। और ये मेरे ख्याल से म्यूज़ियम है, जो कि मैं अभी तक अंदर नहीं गया। ये जो आपको साथ मेरे साथ बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं म्यूज़ियम में अभी तक नहीं गया, लेकिन ये अच्छा ही होगा। आई डोंट नो म्यूज़ियम है क्या, गूगल पर देखना पड़ेगा भाई, लेकिन मुझे हाँ ये म्यूज़ियम है, कार्डिफ म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम इस तरह कुछ है। और ये म्यूज़िक प्लेस है जहाँ पर मतलब लिखा हुआ है म्यूज़िक, तो मतलब म्यूज़िक सिखाते होंगे यहाँ पर, ऐसा ही कुछ होगा। ये भी इन्हीं की बिल्डिंग लग रही, पता नहीं क्या है यार, मुझे तो चीज़ें समझ नहीं आती यहाँ पर लिखी हुई। कार्डिफ यूनिवर्सिटी का एक झंडा लगा हुआ है, तो ये इन्हीं का कुछ होगा। बहरहाल नाइस वेदर है ना, सिंस मैं यहाँ चलता चलता आ ही गया हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ एक पेट्रोल स्टेशन, ऐसा पेट्रोल स्टेशन जो अभी पाकिस्तान में इतना नहीं आया, इतने लोगों ने नहीं देखा। ये है जी 50 किलोवाट चार्ज पॉइंट, टेस्ला गाड़ियाँ चार्ज करो अपनी, जो सी भी है इलेक्ट्रिक कार चार्ज करो, तो ये चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और मैंने अक्सर यहाँ पे देखे, मैं क्योंकि यहाँ से इस जगह से पैदल गुजरता होता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं और चार्ज हो रही होती हैं। और यूके वालों ने कहा है कि भाई 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक करना, तो न्यू गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। और फिर चार्जिंग स्टेशन अभी से ही देख लो बन गए हैं, और बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है, थोड़े नहीं है। पीछे आपको एक नज़र आ रहा होगा, वो है पार्किंग टिकट के लिए, मतलब के पार्किंग के लिए मतलब पैसे देने होते हैं, तो वो जगह बनी हुई है। बाकी ये जगह सारी अच्छी सी लग रही है, पार्किंग सी लग रही है। सो दिस इज़ द म्यूज़ियम, सो नाउ लेट्स गो फर्दर। साथ साथ मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूँ कि अगर कोई आसपास गाड़ी नहीं आ रही तो हम क्रॉस कर सकते हैं बिल्कुल, तो इधर उधर बस ऐसे देखते रहो और क्रॉस करते जाओ बिल्कुल सुकून से, कोई चक्कर ही नहीं है। ये क्रॉस कर ली हमने सड़क, ये इशारा खुला हुआ था और लेकिन हमारा इशारा बंद था, लेकिन फिर भी हमने क्रॉस किया। तो ये भी कोई सीन है यहाँ पर थोड़ा सा, ये मैंने गौरों से सीखा है। और ये रेड फुट बिल्डिंग है यहाँ पर, मेरे ख्याल से रहते होंगे स्टूडेंट्स रहते होंगे कार्डिफ यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो कि डिफरेंट है, मतलब कार्डिफ में दो यूनिवर्सिटीज़ है, कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन और कार्डिफ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी साउथ वेल्स भी है मेरे ख्याल से, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। हम दो यूनिवर्सिटी को जानते हैं भाई हम। और ये किधर हम जा रहे हैं, ओह पैदल बंदा वहाँ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पैदल उस तरफ। यहाँ पे ब्यूट पार्क है, मेरे साथ ब्यूट पार्क है, और साइकिलिस्ट और जो पैदल लोग हैं वो दूसरी साइड से जाएंगे। और मैं जहाँ चल रहा हूँ अभी गलत जगह चल रहा हूँ, पैदल जगह पर नहीं चल रहा, सो आई हैव टू गो दैट वे। और ठीक है, इस साइड में मैं पहली जगह चल रहा हूँ भाई, अभी ब्यूट पार्क जाएंगे, लोग कुत्ते फिरा रहे होंगे और कुत्ते साले पाँव में आ जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ इस साइड पे। तो आप ये देखें, ये जो बना हुआ है ये है बस स्टॉप, और ये इस तरह के कई बस स्टॉप हैं यहाँ पर। लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है यूके की, अभी तो नहीं चल रही मेरे ख्याल से, संडे है शायद, और पता नहीं मुझे नहीं आइडिया भाई, बस मैं इतनी यूज़ नहीं करता, लेकिन ये है बस स्टॉप जो आपने देख लिया है मेरे पीछे। और राइट साइड पर जो है एंट्रेंस है ब्यूट पार्क की, इसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको अभी फ़ौरन। ये भी यूनिवर्सिटी है पीछे, ये म्यूज़िक वाली यूनिवर्सिटी है, म्यूज़िक और ड्रामा वाली वेल्श, बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये हो गया है जी, अच्छा आज लिखा हुआ है कि जी पार्क 7:30 बजे बंद होगा,
और ये है पार्क जिसको अभी हमने देखना है, थोड़ा बहुत अंदर घूमे फिरेंगे जहाँ तक चला। मैं तो कभी इतना फिरा नहीं हूँ, एक दफ़ा गुजरा था, वो भी सिर्फ गुजरने के लिए, क्योंकि मैंने इधर आना था तो मैं पार्क के बैक उस साइड पे आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर हूँ अभी, मैं इधर हूँ, ठीक है, मैंने इधर से इधर आना था तो बस इसलिए। तो यहाँ चीज़ें हैं, पानी वगैरह और ख़ूबसूरत पार्क है। सुबह का टाइम है तो देखते हैं, वॉकिंग शॉकिंग करते हैं। लिखा हुआ है जी नो कैंपिंग एंड नो फायर्स, बाकी साइकिलिस्ट हैं और बस ये नॉर्मल। सो लेट्स गो, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है भाई, क्या बात है। और ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता लेकिन ड्रामा एंड म्यूज़िक की है यूनिवर्सिटी अभी भाई। यहाँ पर ये सीन बड़ा है आर्ट वाला, ये ऐसा वैसा नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो ना। यहाँ पे आर्ट को भाई बहुत देते हैं इम्पोर्टेंस। आप कुछ और ना यार, नाइस फ्लावर्स हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो पता नहीं लास्ट टाइम कब आया था, मुझे याद नहीं, 3 महीने जब मैं आया था शुरू में, मैंने एक अपना जो एक आईडी कार्ड यहाँ का है वो लेना था। वो एरिया का नाम है कैंटन, तो मैं उधर गया था। ब्रो दिस इज़ सो नाइस, ये ब्रिज है नाइस, नीचे पानी चल रहा है और छोटी सी बतख भी फिर रही है यहाँ पर। और ये टाइम मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है यार, फिश नज़र नहीं आ रही अंदर मुझे पानी में, क्या सीन है। ये देखो ये अभी यहाँ जगह जगह इसने शीला को लगाया है, शीला डॉग का नेम। अच्छा जी, नाउ वी आर इन ब्यूट पार्क ब्रो, सो क्वाइट, आई डोंट नो वे टू गो। अच्छा इधर से देखते हैं जी, प्लांट शॉप, सीक्रेट गार्डन कैफे, कार्डिफ कासल। हमने उस कार्डिफ कासल तो नहीं जाना, हम उस तरफ जाते हैं। ये जो भी है 4-5 चीज़ें हैं सारी उधर उधर हैं, उधर जाते हैं। इट लुक्स नाइस, सुबह का टाइम है और बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मेरे हाथ थोड़े से ठंडे हो रहे हैं। टेम्परेचर हेयर इज़ आज तकरीबन होगा 16, 15, 12, दोपहर तक हो जाएगा 18, बस ये टेम्परेचर है। चेक करो यार फील्ड्स, कबूतर भी यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखो हम यहाँ बैठ सकते हैं, मैं भी बैठूँगा नहीं क्योंकि गीला हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं ना, ईस्ट एशियो पता नहीं क्या है, ये वेल्श लैंग्वेज है, क्योंकि वेल्स है, वेल्स की अपनी लैंग्वेज है वेल्श। और इंग्लिश यहाँ की फर्स्ट नहीं है, यहाँ की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। हालांकि लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन जो गांव वाली साइड पर जब हम जाते हैं वेल्स के अंदर, तो वो जगह जो है लोग वेल्श, इंग्लिश आती है सबको लेकिन वेल्श बोलते हैं वो गाँव वाली साइड पर। और कबूतर देख लो भाई, चौड़े में फिर रहा है सारा। आ जाओ इधर, तेरी वीडियो बनाओ, हैं वीडियो में आएगा। वो कहता है भाई इधर आगे कबूतर भी चौड़े में है, कहते हैं भाई गोरा कॉम्प्लेक्स है हमें भी। अच्छा तो जी मैं अभी आपको बात कर रहा था कि गंद होता है कि नहीं होता है, तो देख लो भाई किस तरह गंद है। सैटरडे नाइट थी, लोग रहो शराबों की बोतलें पड़ी हुई है भाई खुले आम, लेकिन ये साफ़ हो जाएगा, ये थोड़ी देर में आएंगे ये सफाई वाले, सब क्लीन। जिस तरह की कंचा नज़र आ रहा ना वैसे ही कंचा हो जाएगा। गंद इंसान सब जगह सेम है, जो गंद है ना वो मतलब के वो। यार ये छोटा ट्रैक अच्छा लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं, अभी मेन ट्रैक पे रहते हैं फिर छोटे ट्रैक पे बढ़ जाएंगे। तो जो गंद है ना वो इंसान सब जगह सेम बचाता है, बस जो गंद उठाने वाला बनता है वो भी इंसान है। तो वो पाकिस्तान में तो नहीं ज़्यादा उठाया जाता लेकिन यहाँ पर भाई है। व्हाट इज़ दिस रिटन है, स्प्रिंग ट्रेल। अच्छा यहाँ पर मोल्स होते हैं भाई, ये चूहे होते हैं बड़े बड़े साइज़ के, अंधे चूहे जो मिट्टी खोदते हैं। इनके पंजे देख रहे हो, पंजे देखो, ये वाले चूहे यहाँ पर होते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है। अकाउंट हाउ मेनी मोज़ यू कैन सी इन। अच्छा मोज़ यहाँ में नज़र आ सकते हैं, मतलब बाहर निकले हुए होंगे, मुझे नहीं पता था। नाइस डिस्कवरी है ना, मेरे ख्याल से यार ये छोटे ट्रैक पर अंदर बढ़े हैं यार, मुझे बड़ा दिल कर रहा है। हुई हुई हुई। अच्छा आगे जाते हैं ना, आगे से देखते हैं क्या सीन है। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग विद यू गाइज ब्रो, पहली दफ़ा यार इधर जाने का दिल कर रहा है, डार्क अंदर क्या सीन है। जा सकते हैं, अलाउड अलाउड सब कुछ ही होगा, जगह ट्रैक बना हुआ है, देखते हैं क्या है। लुक्स नाइस, ओ ब्रो पानी के साथ साथ पैदल चलेंगे ये। और ये देख लो भाई जंगल जंगल हुआ हुआ है बड़ा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओह ये पानी चल रहा है, ये तुम्हारा भाई, वाह
ये पानी भी रिवर टैफ का है। मछली कोई नज़र आ जाए, मछली का बच्चा ही सारा नज़र आ जाए, क्या बकवास है। ओह यह, अब ये पता नहीं साइकिल ट्रैक ना हो यार, मुझे डर लगा। पता चल मेरे पास साइकिल ही चढ़, साइकिलिस्ट चढ़े हुए ऊपर मेरे। ओके सो आफ्टर सम फोटोज आई एम बैक हियर। और ये दरख्त है यार, क्या इतना बड़ा दरख्त है भाई, गोप्रो में पूरा आ रहा है, मैंने सुपर वाइड एंगल खोला हुआ है, मतलब पूरा दरख्त आ रहा है, जितना मर्जी करीब जाऊँ ना इसके तो ये पूरा ही आएगा, आना चाहिए। देखा अभी तक पूरा आ रहा है, लेकिन इट्स सो बिग ब्रो एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। इसके फ्लावर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये फूल है इसके, ये देखो क्या फूल है। इसकी मैंने पिक्चर इंस्टाग्राम पर डाल दी, कि अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई जान क्या कर रहे हो, और फॉलो करो। क्या बात है, क्या आसमान देखो यार, आसमान का नीला। अब ये भी कोई और तरह का दरख्त है, लेकिन इस पर इतने फूल नहीं, इधर भी फूल है, इसके और तरह के फूल हैं, ग्रीन टाइप शतूत टाइप फूल है। साथ मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन ये घर देखो कितना खूबसूरत है, पार्क के अंदर ये घर है बना हुआ, और इट्स नाइस। सूरज की किरणें हल्की हल्की निकल रही हैं, ये देखो सूरज की किरणें अच्छी अच्छी बड़ी खूबसूरत सी। ओए यार ये किधर आ गया हूँ, आई एम ब्रो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं वापसी जाता हूँ यार, मैं किसी के घर में ना बढ़ जाऊँ। का पार्किंग हुई है ना दो गाड़ियों की, नाउ आई कांट अंडरस्टैंड दिस, नो पार्किंग लिखा हुआ भी है, पता नहीं आई शायद घर वालों की होगी। कैमराज लगे हुए हैं, CCTV। उस तरफ से जाता हूँ, इधर यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से करके ते वो जितने साइकिलिस्ट आ रहा सी ना उधर जाते हैं, उधर पानी वाली साइड इधर जाते हैं, वो जो जगह है ना वहाँ से आगे से राइट होते हैं जहाँ साइकिलिस्ट आ रहा है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा साइकिलिस्ट, लेकिन मुझे आ रहा है। देखो भाई धूप आ गई है हल्की फुल्की, और जब यहाँ धूप आती है ना भाई नेमत समझ आती है आपको भाई, सन किस्ट हो रहा है। लोग देख लो सूरज भी चुमियाँ करता है यहाँ पर। ये कोई दरख्त रुख कटे हुए हैं, लेकिन देखो ये भी अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके में चढ़ नहीं सकता घास के ऊपर, कहीं लिखा होगा कि जी नॉट अलाउड, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है दिस प्लेस। ये क्या बनाया हुआ, ये आर्ट सा बनाया हुआ, बड़ा अच्छा है। और गुलारी, गुलारी डर ही नहीं रही, गुलारी भाग गई साले। ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, लुक्स नाइस है। चलो आगे चलते हैं। लोग रनिंग कर रहे हैं, गोरा और रनिंग ना करे ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं, इट्स इम्पॉसिबल इफ सी गोरा डजंट रन। तो भाई यहाँ पर इस तरह के बगले भी पाए जाते हैं, बगले हैं क्या है ये, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड इज दिस, अच्छा ही पैर पीछा हुआ हर, अब पता नहीं यार मैंने देखे हैं इस तरह के, और इधर पीछे पानी है ना, हाँ ये साथ पानी है, अभी नज़र नहीं आ रहा पानी में, आगे जाके देखते हैं क्या बनता है, पानी नज़र आता नहीं आता। ओए ओए हवा चल पई, ओए हवा चल पई, साजी बड़ा खूबसूरत सा पुल आ रहा है, ये ज़रा देखना इस पे से तुम्हारा भाई गुजरेगा, इट्स रियली नाइस। पानी के ऊपर से वॉकिंग और साइकिलिंग का पुल है सिर्फ, ओनली फॉर दैट ब्रिज। क्या बात है, हम उस तरफ है क्या, उस तरफ तो मैंने नहीं जाना। ओए हो उधर जाते हैं यार, उधर क्या है, आई एम नॉट क्रॉसिंग दिस होल, बस आई एम जस्ट कमिंग फॉर हियर फॉर योर गाइस टू एंड फॉर मी एज वेल, ऑब्वियसली आई नीड टू सी दिस। और नीचे बतखें भी गुजर रही हैं, अच्छा पानी इतना गहरा नहीं है, सो वी गोइंग बैक टू दैट प्लेस। जो जो जानवर यहाँ पर पाया जाता है ना उसकी यहाँ पर उन्होंने ये बनाई हुई है चीज़, आप मैं देख सकते हैं, मुझे काफ़ी बड़ा बनाया था उन्होंने, ये मोल है, मोल एक चूहा टाइप है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये वही है, और बड़ा बहुत बड़े साइज का बनाया हुआ भाई। अब बदसूरत लग रहा है, इतना बड़ा बनाया हुआ और इतना असली जैसा बनाया हुआ,
वो छोटी चीज़ होती है ना, वो बंदे को नज़रअंदाज हो जाती है। ये इतना बड़ा बनाया हुआ, इतना गंदा लग रहा था मुझे यार, असली रस्सा लग रहा। बट इट्स ओके, लेट्स गो टू दैट डार्क प्लेस। इस जगह पे जाते हैं अंदर, बड़े प्यारे दरख्त हैं यार। और ये देखो वाइट बेड्स हैं, पूरे वाइट बेड्स हैं। ओए गुलारी, हे गुलारी, ये भी है गुलारी, ओए गुलारी। गुलारी है चिपमंग का, गुलारी है, लेकिन डर नहीं रही मेरे से ज़रा भी। अच्छा एक म्यूज़िकल चीज़ है भाई, मैं तो हाथ नहीं लगा रहा। ओह नाइस प्लेस, डार्क हो गया अंदर सारा, बड़े बड़े दरख्त हैं ऊपर। या आई लाइक दिस प्लेस, सो क्वाइट। तो गाइस जिस जगह अभी मैं आ गया हूँ ना, ये ब्यूट पार्क की एक थर्ड एक फ्रेम बनाया गया है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई चीज़ें डिस्कवर की गई थी जो बहुत ही पुरानी थी। ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं, चर्च एग लुइस, और ये मतलब बहुत पुराना है लिटरली। ये बना था 1800 कुछ में, मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड कब लिखा हुआ है। और ये एक फ्रेम सा बनाया हुआ है ताकि याद रखा जा सके कि भाई यहाँ पर हमें कोई पुरानी चीज़ें मिली थी। और इसकी हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, मैं आपको इसकी 1800 कुछ वाली पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, जो इन्होंने लगा के रखी हुई है यहाँ पर। ये द फोटो डेटेड लास्ट 1880s, मतलब 1880 से कोई पुरानी है। और कंप्लीशन ऑफ फ्रेम स्कीम इन इंटरप्रटेशन, तो ये फ्रेम इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर ये इसकी थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर दरियाफ्त की गई थी। इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है, चाबियाँ तो पता नहीं क्या क्या है, ये सब कुछ यहाँ दरियाफ्त किया गया था। नाइस, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना क्या क्या था इसमें, ग्लास कीज और पता नहीं क्या बुल्ला चुल्ला। और मुझे यहाँ बड़ी प्यारी चीज़ नज़र आई है सामने, ब्रो दिस इज़ सो नाइस। Oh yeah bro, this looks so nice, literally। ये बनाया है किस चीज़ का, कॉपर का बना हुआ है bro, this is copper made bro, I'm gonna take some photos of it and then I'll put on Instagram, guys follow me on Instagram, I'm just gonna post some pictures of this। ये थोड़ी ओपन जगह आ गई, और ये आपको जो आवाज़ आ रही है ये चर्च की आवाज़ है, वो चर्च की घंटी बज रही है, और जो मूवीज़ में देखा करते थे ये सुना करते थे सेम साउंड। और ये आपको देख रहा होगा एक जगह है यहाँ पर, बाथ इलाका है, उसके करीब स्टोन हेंज जगह है। एग्जैक्टली वैसे ही पत्थर हैं लेकिन बहुत छोटे साइज़ के, एक फेक स्टोन हेंज बनाया हुआ है। स्टोन हेंज एक ऐसा है कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो डायरेक्टली स्टार्स के नीचे, जो एस्ट्रोनॉमी जो समझता है थोड़े बहुत स्टार्स होते हैं उसके एग्जैक्टली नीचे, मतलब वो एक बनाया हुआ है। और वहाँ पर पत्थर, वो इस इलाके में पत्थर पाए भी नहीं जाते, और इतने बड़े पत्थर जिस ज़माने में वो लेके गए थे, मतलब कुछ लेके गए थे, वो लेके जाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पर। तो आपका भाई वहाँ भी जाएगा एक दिन, दुआ में याद रखे, हम जाएंगे, हम वीडियो इसी तरह स्पॉन्टेनियस वीडियो बनाएंगे वहाँ जाके, पता नहीं कैसे बनाएंगे भाई, कोई प्लानिंग नहीं है। वो यार चिड़िया कितनी प्यारी है, बैठी भी है, इसमें करीब जाऊँगा उड़ जाएगी। बटेरे जैसी चिड़िया, ये भाग के बिल्कुल बटेरे जैसा कलर है लेकिन चिड़िया, वाह यार बटेरे साइज़ की चिड़िया, लंबी टांगों वाली, नाइस। तो वो स्टोन हेंज जैसी जगह बनी हुई है, लेकिन ओह हाँ ये मैं आ गया हूँ, आई एम एट द बैक ऑफ द कार्डिफ कासल। भाई किला है कार्डिफ का किला, और उसके मैं बैक साइड पे आ गया हूँ। तो मेरे ख्याल से हम उस तरफ जाते हैं, हम आगे जाके क्या उखाड़ लूँगा आगे जाके, इधर ही से जाते हैं, थोड़ा पानी के ऊपर से वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। ये पतखे भी बैठी हुई हैं, ये देखो ना, ये कार्डिफ कासल है, इसकी वीडियो मैं स्पेशली बनाऊंगा, अंदर जाएंगे कार्डिफ कासल के, थोड़ा सा बाहर से दिखाऊंगा आपको मैं। और ये पानी भाई साहब बड़ा करीब है यार इस पुल के, तो इतना गहरा नहीं है लेकिन मुझे बड़ा पसंद है यार इस तरह ऊपर से गुजरना पुल के, ब्रिज के, पुल बोल रहा है यार, पुल पाकिस्तान बोला जाता है, करेक्ट मीनिंग। तो अब हम वापसी की तरफ जाते हैं, उस तरफ
ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज थोड़ी सी बना ली हमने, थोड़ा शुगर लगा लिया, वॉक वगैरह हो गया। अब घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। वो जो आपको मैंने शुरू में दिखाई थी बिल्डिंग म्यूज़िक एंड ड्रामा वाली, तो ये है। तो अभी मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ घूम फिर के। तो अब अभी मैंने पूरा नहीं देखा ब्यूट पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ब्यूट पार्क घर के पास है भाई, पहुँच जाएंगे दोबारा यहाँ पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई इंतज़ार करना भाई। मैं डालूँ वाला था बात, लेकिन इंतज़ार करते रहना। ओके, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।